हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और आज के लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द क्रैब्स साइकिल, ठीक है। आई होप आपने ग्लाइकोलाइसिस वाला लेक्चर गो थ्रू कर लिया है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या ऑब्टेन किया अपन ने। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करते हैं, सीधा सबस्ट्रेट के अंदर से अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज 4 ATP ऑब्टेन किए। फिर NADH2 से ATS जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आप बोल सकते हो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने ATPs वी आर गोइंग टू गेन, वी आर गोइंग टू गेन 6 ATPs। कितने ATPs? बिकॉज 1 NADH2 गिव्स 2 ATPs, ओके आई एम सॉरी 3 ATPs। सो 2 NADH2 मिले आपको, जिससे आपको 6 ATP मिलेंगे। क्लियर है? नाउ दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज 7, 8, 9, 10, 10 ATPs. इन द स्टार्टिंग फेज, इन्वेस्टमेंट फेज, वहां पे 2 ATP यूज भी हुए थे अगर आपको पता हो तो मैं वो 2 ATP माइनस करूंगा तो बचे कितने हैं? 8 ATP. सो द नेट गेन इज 8 ATPs. द नेट गेन इज 8 ATPs, ठीक है। और आपको पता है कि यार आप जब एक NADH2 बनता है, एक NADH2 को जब आप ETS के पास भेजोगे तो वो आपको 3 ATP देगा, उसके साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी देगा। इट गिव्स यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है। सो कितने NADH2 यहाँ पे यूज में आया? 2 यूज में आया, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की भी बात कर रहे थे अपन, ठीक है। सो डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल जो मिले आपको बिना NADH2 के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करे बिना, वो ऑलरेडी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो NADH2 से मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मेनी, दैट इज ऑल्सो 2। दिस इज मेटाबॉलिक वाटर बोल सकते हैं इसे, आई पुट इट एज मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, और आप देखो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और ग्लाइकोलाइसिस में वी यूज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल, 2 वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया था तो माइनस 2 कर देते हैं, तो नेट गेन कितना हो गया, नेट गेन वाटर का, सो नेट गेन वाटर का हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी क्या चीज थी, CO2 तो एब्सेंट है, तो CO2 के बारे में, CO2 इज एब्सेंट, ठीक है। सो वी डोंट रिक्वायर इट, CO2 का लास्ट में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द CO2 एट द एंड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आता है, क्रैब साइकिल आता है, क्रैब साइकिल के बाद ETS आता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में 8 ATP बनाए हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं, CO2 तो एब्सेंट है, ये चीज आपके दिमाग में बिठा लो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एंजाइम के बारे में बात करी थी, दैट वॉज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इट इज द पेस मेकर, बिकॉज उस एंजाइम की मदद से आगे का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का कंट्रोल होने वाला है। तो मैंने बताया था कि अगर ATP का प्रपोर्शन ज्यादा है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आगे काम नहीं करेगा, पर अगर ATP का प्रपोर्शन कम और ADP का प्रपोर्शन ज्यादा है तो PFK फंक्शन करेगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से नाम और एड कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूं PFK फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कौन करता है, तो इनहिबिट करने वाला आपको तो नाम पता ही है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कौन करता है, जो दैट इज ATP इनहिबिट करता है ना, बिकॉज ATP का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ATP इज गोइंग टू इनहिबिट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, कहां पे आता है यूज में एंजाइम, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ लिया है, ठीक है। So, ATP इनहिबिट करता है, ATP के साथ सिट्रिक एसिड भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको, PFK को, और PFK को इंड्यूस कौन करता है, काम करने को कौन बोलता है, सो PFK एनहेंसर, सो PFK एनहेंसर की अगर बात करते हैं, सो PFK एनहेंसर आपको पता है दैट इज ADP, ADP होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और अगर ATP का प्रपोर्शन ज्यादा है तो कंटिन्यू नहीं होगा, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस,
ठीक है, ये जो भी नंबर है, एटीपी काउंट है, वाटर काउंट है, ये सब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज गोइंग टू बी द क्रैब्स साइकिल. बट क्रैब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में एक रिएक्शन है जिसे कहा जाता है लिंकेज रिएक्शन. इट इज द रिएक्शन विच लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद द क्रैब्स साइकिल, ठीक है. दोनों जो प्रोसेस है उसको लिंक करने वाला जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द लिंकेज रिएक्शन और द गेटवे पाथवे, ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट विथ क्रैब्स साइकिल, विल टॉक अबाउट द गेटवे पाथवे या फिर लिंकेज रिएक्शन. एक और नाम भी है, लिंकेज रिएक्शन. गेटवे पाथवे या फिर देयर इज अनदर नेम दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन. ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन होना, डीकार्बोक्साइलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना. तो यहां पे ये दोनों चीजें आपको दिखेगी, ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिखेगा और क्या होगा, डीकार्बोक्साइलेशन भी होगा. सो वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन, ठीक है. किसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या मिला था, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पाइरूविक एसिड मिला था. कितने मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के हैं, दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के, ठीक है ना. वी स्टार्टेड विद ग्लूकोज एंड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड एज वेल. तो वो जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड के, नाउ दे वुड एंटर द क्रैब्स साइकिल. बट बिफोर एंटरिंग द क्रैब्स साइकिल दे हैव टू अंडरगो थ्रू द लिंकेज रिएक्शन और द गेटवे पाथवे और द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन, ठीक है. सो पायरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, मैं एक मॉलिक्यूल करके लिखूंगा. तो पायरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सो पायरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज CH3C डबल बॉन्ड O COOH, दिस इज पायरुविक एसिड. दिस इज पायरिक एसिड. नाउ इस पायरिक एसिड के साथ क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन होने वाला है, मतलब इसके अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और एज वेल एज CO2 को भी बाहर निकाला जाएगा यहां से. सो नाउ व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड, द हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय हूम, द हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है, NAD प्लस इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर. सो दैट hydrogen is accepted by NAD plus and this results in formation what of what NADH, kyunki hydrogen jo nikla wo isne accept kar liya aur kya ban gaya NADH ban gaya, theek hai. dusri baat kya hogi, yahan pe CO2 bhi release hoga jo maine bataya, because decarboxylation bhi ho raha hai, that is CO2 is also released, CO2 is also released. and apart from this there is addition of acid CoA enzyme, there is addition of CoA, coenzyme A. इस चीज का क्या होगा, addition होगा. This is going in, the rest of the things are coming out, ठीक है. ये जो process है where CoA is added to pyruvic acid is known as acetylation. So known as acetylation. तो आप ये भी बोल सकते हो कि oxidation भी हो रहा है, डीकार्बोक्साइलेशन भी हो रहा है और एज वेल एज एसिटाइलेशन भी हो रहा है, ठीक है. तो ये तीन प्रोसेस हो रहे हैं, थ्री ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर, वन इज ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्साइलेशन एंड थर्ड इज एसिटाइलेशन. तो जो प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड के बाद, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एसिटाइल को ए. क्या बनेगा, एसिटाइल को ए बनेगा. तो जो स्ट्रक्चर था, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू चेंज. तो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, इट कंसिस्ट ऑफ सल्फर इन इट, इसके पास सल्फर होता है, तो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, सी एच थ्री ऐसा आ जाएगा यहां पे और एस के साथ कोएंजाइम ए, ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी फॉर्मड आफ्टर पायरिक एसिड अंडरगोज व्हाट, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्साइलेशन एज वेल एज एसिटाइलेशन, ठीक है.
ठीक है, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ दैट इज एक्सेप्टेड हियर ओके बाय द एनएडी प्लस. तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस इज एसिटाइल को ए. ठीक है, कोई आपने ऐड किया था डन. और यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज दी, अगर ये तीनों को आप कंसीडर करो ठीक है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज दी थायोएस्टर लिंकेज, दिस इज नोन एज थायोएस्टर लिंकेज. Thioester linkage, ठीक है. So we have two molecules of pyruvic acid ना, at the end of the glycolysis two molecules थे, तो इसके भी कितने molecules बनेंगे, acetyl CoA के भी दो molecules बनेंगे, CO2 भी कितने release हो गए, दो, NADH2 भी कितने बनेंगे, दो, ठीक है, acid CoA भी कितने use हो गए, दो, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. तो जो linkage reaction है उसमें I get two molecules of acetyl CoA and these two molecules of acetyl CoA are going to participate in the Krebs cycle. ठीक है, ये Krebs cycle में participate करेंगे. Not pyruvic acid directly. Pyruvic acid was the product of glycolysis, but pyruvic acid do not directly participate in the Krebs cycle. There is linkage reaction, or there is a gateway pathway, or there is oxidative decarboxylation taking place. जिसके वजह से there is formation of acetyl CoA, two molecules of acetyl CoA. ठीक है, एंड देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड, ठीक है, क्लियर है. सो लेट्स पुट इट डाउन, व्हाट डू वी गेन आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द लिंकेज रिएक्शन. अच्छा, यहां पे एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है PDH, इसका नाम है PDH, द नेम इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ओके, इट्स अ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स व्हिच इज मेड अप ऑफ three other enzymes. It is a very important enzyme. It's a complex enzyme which is made up of three other enzymes. ठीक है, इसके बिना ये जो linkage reaction है ये perform नहीं हो सकता है. ठीक है, so let's see what do we gain out of it. अच्छा, let's talk about the PDH first. PDH का full form क्या है, pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex, ठीक है, it consists of three enzyme, one of them is going to be pyruvate dehydrogenase, DH लिखता हूं मैं, second is dihydrolipoil, ठीक है, dihydrolipoil dehydrogenase. And the last enzyme is dihydrolipoil transacetylase. Dihydrolipoil transacetylase. ठीक है? ये तीनों एंजाइम मिला के क्या बना रहे थे? Making this complex. Okay, that is pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoil dehydrogenase, dihydrolipoil transacetylase. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फाइव अदर फैक्टर्स व्हिच आर आल्सो गोइंग टू बी यूजफुल इन द लिंकेज रिएक्शन. देयर आर फाइव अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस एंजाइम्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द लिंकेज रिएक्शन. सो दोस फाइव फैक्टर्स आर Mg2+, NAD+, NAD+ अपन ने यूज किया था, देन देयर इज लिपोइक एसिड, ठीक है, एंड देयर इज थायमीन पाइरोफॉस्फेट, TPP, थायमीन पाइरो, दैट इज TPP, ठीक है.
So apart from this three enzyme complex, there is also requirement of five other factors, that is Mg2 plus, NAD plus, lipoic acid and thymine pyrophosphate. ठीक है, simple and easy. Okay, so now we are done with the linkage reaction. What are the outcomes of the linkage reaction? What do we get from the linkage reaction? So linkage reaction की बात करते हैं तो क्या क्या अपन ने obtain किया, तो मैं साथ में glycolysis का भी लिख देते हैं कि क्या क्या obtain हुआ. So linkage reaction जो लिंकेज रिएक्शन है उसमें सबस्ट्रेट बेस एटीपी ठीक है मिला था क्या, तो सबस्ट्रेट बेस एटीपी तो एक भी नहीं मिला. देयर इज नो एटीपी बीइंग फॉर्मड इन दैट रिएक्शन. सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन, so that is no, not occurring. ठीक है, तो ATP बनेगा क्या? ATP बनेगा, but किसके through? NADH2 के through बनने वाला है. ठीक है, तो NADH2 is that is oxidative phosphorylation, के through दो NADH2 बनाए थे. ठीक है, एक पायरिक एसिड के लिए, दूसरा दूसरी पायरिक एसिड के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी 6 ATP. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, डायरेक्ट कोई वाटर मॉलिक्यूल निकला है क्या? नो डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल, नो. ठीक है, बट वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिलीज होगा? जब NADH2 का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर. सो मेटाबॉलिक वाटर कितना है? तो मेटाबॉलिक वाटर होगा, दो NADH2 है, मींस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2H2. ठीक है, CO2 निकला क्या? ठीक है, तो CO2 निकला, एक पायरिक एसिड से एक CO2 निकलेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. ठीक है, सो दिस इज द आउटकम और दिस इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड. वी हैव रिसीव्ड, वी आर गोइंग टू रिसीव 6 ATP, मेटाबॉलिक वाटर 2 एंड CO2 2. ठीक है, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए. ओके, नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं किसके साथ, ग्लाइकोलाइसिस के साथ भी अगर लिखे से कंपेयर करके, तीन स्टेप है, एक ग्लाइकोलाइसिस है, एक क्रैब साइकिल है और एक क्या है, ईटीएस है. तो एटीपी, दूसरा है वाटर और तीसरा क्या है, CO2. ये तीन चीज है. एटीपी आपने कितने गेन किए ग्लाइकोलाइसिस में? 8 एटीपी थे. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स 2 है. और CO2 रिलीज हुआ था क्या? तो CO2 का रिलीज नहीं हुआ था. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द लिंकेज रिएक्शन, तो लिंकेज रिएक्शन में कितने ATP है? 6 ATP है. वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए तो वाटर मॉलिक्यूल 2 मेटाबॉलिक वाटर है और CO2 रिलीज हुए तो 2 CO2 रिलीज हुए यहां पे. ठीक है, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस और ये किसका है? दिस इज लिंकेज रिएक्शन. अब कौन बचा है? क्रैब्स साइकिल. क्रैब्स साइकिल में कितने एटीपी बनने चाहिए? ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आप जब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते थे तो वहां पे आपको बोला था कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो वहां पर प्रोड्यूस होता है दिस फॉर्मेशन ऑफ 38 ATP. Okay, this formation of 38 ATPs as well as there is formation of 6 water molecules and 6 carbon dioxide. Okay, ye cheez ka formation hota hai kab? Jab there is complete
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये चीज 10th स्टैंडर्ड में थी। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 38 एटीपी, 6H2O एंड 6CO2। ठीक है, तो अभी यहां पे अगर आप कैलकुलेट करो तो आपने 8 और 6 ओके इतने एटीपी तो जनरेट कर लिए, कितने एटीपी जनरेट करना बाकी है। सो देयर इज 24 एटीपी जनरेट करना बाकी है। ठीक है, तो वो जनरेट कहां होगी, वो क्रेब्स साइकिल में बनेंगे। कितने H2 है, 6, तो 4 तो यहां पे अवेलेबल है, तो और कितने चाहिए, तो क्रेब्स साइकिल में 2 और H2O रिलीज होने चाहिए। और CO2 कितने, तो CO2 यहां पे 6 है, मतलब क्रेब्स साइकिल में कितने CO2 रिलीज होने चाहिए, सो देयर शुड बी रिलीज ऑफ 4 CO2। तो ये दोनों की वैल्यूज मुझे पता चल गई, उससे मैं क्रेब्स साइकिल की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अभी तक क्रेब्स साइकिल परफॉर्म किया नहीं है, बट वी शुड बी नोइंग क्रेब्स साइकिल में ये अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, 24 ATPs मिलने चाहिए, 2 वाटर मिलने चाहिए और 4 CO2 मिलने चाहिए। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। लिंकेज रिएक्शन हो चुका है, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लिंकेज रिएक्शन कहां होता है, वो भी कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और क्रेब्स साइकिल कहां होगा, तो क्रेब्स साइकिल दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Occurs in the matrix of mitochondria. ठीक है, सो टोटल ये आउटपुट होना चाहिए तीनों स्टेप के बाद, दैट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज शुड गिव मी दिस मच अमाउंट। अभी तक अपन यहां पहुंचे हैं, ठीक है, सो जो लिंकेज रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, दैट इज एसिटाइल कोए, इट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्रेब्स साइकिल। काफी सारे नए नाम यहां पे आएंगे, आपको याद करने पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दोज नेम्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम है टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, मैं नाम लिख देता हूं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्या नाम दिया मैंने, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ओके, सो मैं नाम अभी रब कर देता हूं बिकॉज स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है, साइकिल काफी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो जो अभी अपन पढ़ेंगे दैट इज क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, काफी सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा यहां पे, सो पे अटेंशन। नाउ साइकिल है तो जहां से स्टार्ट करोगे वहां पे एंड होना चाहिए। ओके, सो एसिटाइल कोए दैट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस साइकिल, इट फर्स्ट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो लेट्स पुट द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हियर। ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज अ 4-carbon कंपाउंड। ठीक है, इट बाइंड्स विद व्हाट, एसिटाइल कोए। ठीक है, तो एसिटाइल कोए से बाइंड होता हुआ मैं दिखाऊंगा। सो मैं लिखूंगा एसिटाइल कोए। क्लियर है, दो एसिटाइल कोए बनेगी, याद रखना। तो मतलब ये जो क्रेब्स साइकिल है दो बार परफॉर्म होने वाली है।
सो एसिटाइल को यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सलोएसिटिक एसिड के साथ. कार्बन कितने इसके पास, सो द कार्बन नंबर इज 2 कार्बन. सो 4 प्लस 2 दैट इज गोइंग टू बी 6. तो जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे दैट कंपाउंड इज गोइंग टू बी अ 6 कार्बन कंपाउंड. इट्स गोइंग टू बी अ 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज सिट्रिक एसिड. किस चीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड. ठीक है, बट सिट्रिक एसिड बनने से पहले यहां पे देयर इज ऑल्सो एडिशन ऑफ वॉटर. देयर इज एडिशन ऑफ पानी एड किया जाएगा. ठीक है, और एंजाइम भी काम करेगा. तो एंजाइम का नाम अपन लिख लेते हैं. एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस. द नेम ऑफ द एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेटेस. ठीक है, ओके गुड. सो ऑक्सलोएसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इट रिएक्ट्स विद एसिटाइल को ए विच इज द प्रोडक्ट ऑफ लिंकेज रिएक्शन. इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड. और उस 6 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सिट्रिक एसिड. ये एक एसिटाइल को ए के बारे में बात कर रहा हूँ. तो वैसे तो 2 एसिटाइल को ए पार्टिसिपेट करने वाले, मतलब जो भी प्रोसेस में बोलूंगा वो 2 बार रिपीट होना चाहिए. इट शुड रिपीट 2 टाइम्स. मतलब 2 ऑक्सलोएसिटिक एसिड, 2 एसिटाइल को ए, 2 सिट्रिक एसिड. बिकॉज लिंकेज रिएक्शन में 2 पायरिक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 पायरिक एसिड पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और 2 सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. ये कौन सा स्टेप है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, नाउ जो सिट्रिक एसिड है, इस सिट्रिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है और जो एंजाइम यहां पे पार्टिसिपेट करता है उस एंजाइम का नाम है अकोनिटेस. क्या नाम है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज अकोनिटेस. एंड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अकोनिटेस सिट्रिक एसिड रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल. आप देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड ने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम अकोनिटेस. अकोनिटेस रिक्वायर्स आयरन आयंस, इट रिक्वायर्स Fe2+ फॉर इट्स फंक्शनिंग. इट रिक्वायर्स Fe2+ फॉर इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड. अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, so there is formation of 6 aconitic acid. क्या बनेगा, there is formation of 6 aconitic acid. there is formation of 6 aconitic. डन, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. सो दिस इज द सेकंड स्टेप. ये कौन सा स्टेप है, दिस इज द सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में वाटर इन किया, सेकंड स्टेप में वाटर बाहर आया और अभी बना है सिस अकोनिटिक एसिड. नाउ दिस सिस अकोनिटिक एसिड जो है उसमें अगेन देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ अकोनिटेस एंजाइम. ठीक है, मैंने अकोनिटेस यहां पे भी लिखा है और अकोनिटेस दूसरी बार भी यूज में आएगा. अकोनिटेस एंजाइम एंड इट वुड रिक्वायर अगेन Fe2+ ही होगा. Fe2+ इज रिक्वायर्ड. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वाटर इज गोइंग टू बी एडेड अगेन. एरो देखो, एरो अंदर की तरफ दिखा रहा हूं मैं. दैट मीन्स वाटर इज बीइंग एडेड.
एरो बाहर मतलब वाटर बाहर निकल रहा है, दिस इज विच स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, ठीक है। सो जब सिस अकोनिटिक एसिड के अंदर वाटर को ऐड करेगी अलोंग विद द एंजाइम अकोनिटेज, द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्मड इज आइसोसिट्रिक एसिड। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? दिस फॉर्मेशन ऑफ द आइसोमर, ओके, दैट इज टर्म्ड एज आइसोसिट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड, तो पहले सिट्रिक एसिड था, वाटर निकाला तो सिस अकोनिटिक बना, फिर से वाटर डाला तो उसका आइसोमर बन गया, दैट इज आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? द नंबर, कार्बन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। अभी तक कार्बन कहीं पे निकाला नहीं है, डीकार्बोक्साइलेशन कहीं पे हुआ नहीं है, तो छह कार्बन का कंपाउंड ही है, ठीक है। अभी जो आइसोसिट्रिक एसिड बना है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो जब हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? आपको बता, हाइड्रोजन एक्सेप्टर एनएडी प्लस, तो एनएडी प्लस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और जब वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म NADH2, there is formation of NADH2। और आपको पता है कि NADH2 कितने ATP बनाता है? तीन ATP बनाता है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? तो वन वाटर मॉलिक्यूल बनेगा यहां से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और तीन ATP बनेंगे ETS में जाने के बाद। एंजाइम तो काम करेगा, तो जो एंजाइम है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला है। सो एंजाइम क्या है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस इज द नेम ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा जब आप आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, the product is known as oxalosuccinic acid, ठीक है। कितना कार्बन का कंपाउंड है? छह कार्बन का ही कंपाउंड है। कौन सा स्टेप चल रहा है? दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने के बाद इस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्साइलेशन किया जाता है, मतलब डीकार्बोक्साइलेशन दैट मींस द CO2 इज गोइंग टू बी टेकन आउट, तो CO2 बाहर निकालते हैं, फिफ्थ स्टेप हो गया, लेट्स टेक आउट CO2 आउट ऑफ इट, ठीक है। तो जब CO2 निकालेंगे यहां से, और एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? सो द एंजाइम इज गोइंग टू बी यूज, दैट इज डी कार्बोक्सिलेस, एंजाइम का नाम है डी कार्बोक्सिलेस, काम में आएगा, और डी कार्बोक्सिलेस के प्रेजेंस में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से क्या होगा? एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो अभी तक कितना कार्बन काउंट था? सिक्स कार्बन कंपाउंड था। अब अगर CO2 में बाहर निकालता हूं, मतलब एक कार्बन बाहर आ गया, तो छह में से अगर एक कार्बन बाहर चले जाएगा, तो अभी जो कंपाउंड बनेगा वो कौन से कितने कार्बन का होगा? 6-1 दैट इज 5 कार्बन, ओके। सो जो कंपाउंड अब बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। क्या बनेगा? So there is formation of alpha keto glutaric acid. This formation of alpha keto glutaric acid. This formation of alpha keto glutaric acid. Alpha keto glutaric acid is 6 carbon the, 1 carbon nikal gaya, matlab now it's a 5 carbon compound. It is
और 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ दिस 5 कार्बन कंपाउंड इट अंडरगोज व्हाट? इट अंडरगोज, यहां पे अगेन देयर इज गोइंग टू बी द एंजाइम जो आपने पढ़ा था फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेस, उसी टाइप का एक एंजाइम यहां पे आएगा जिसका नाम है KDH, ओके, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस. क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस. वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का क्या करेगा? वो इसका डीकार्बोक्साइलेशन करेगा प्लस ऑक्सीडेशन भी करेगा. तो यहां पे यार स्टेप पे, सिक्स स्टेप पे क्या होगा? देयर इज डीकार्बोक्साइलेशन. तो 5 कार्बन का था ये, अगर इसका डीकार्बोक्साइलेशन करते हैं मतलब एक CO2 और बाहर आ गया, ठीक है, तो 5 में से कितना कार्बन हो जाएगा? बचेगा 4 कार्बन. और क्या हो रहा है? देयर इज आल्सो ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस. तो एक्सेप्टर कौन है? हु इज द एक्सेप्टर? NAD+ एक्सेप्टर है और वो क्या बनाएगा? NADH2 का फॉर्मेशन होगा. NAD+ से NADH2 का फॉर्मेशन होगा. यहां पे CO2 भी रिलीज हुआ है और यहां पे देयर इज आल्सो एडिशन ऑफ कोए, कोएंजाइम ए. तो यहां पे ऐड करते हुए दिखाते अपन. ठीक है, दैट मींस एसिटाइलेशन भी हो रहा है. ये स्टेप आपने आगे भी पढ़ा था. कहां पे पढ़ा था? लिंकेज रिएक्शन में पढ़ा था. डीकार्बोक्साइलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एसिटाइलेशन भी हो रहा है. किसका? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का. और ये सब कौन से स्टेप में हो रहा है? दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इन द सिक्स स्टेप. छठा स्टेप नहीं, पांचवा छठा, ठीक है. तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको पता चल गया कि यार 5 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, उससे एक कार्बन निकाला तो 5 कार्बन का कंपाउंड बना. अब 5 कार्बन से अगर एक CO2 निकाल देंगे, कार्बन निकाल देंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा कितने कार्बन का? 5-1, दैट इज गोइंग टू बी 4 कार्बन कंपाउंड और उसका नाम है सक्सिनिल कोए. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सक्सिनिल कोए, ठीक है. सक्सिनिल कोए इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. और कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसे इंटरमीडिएट कहा जाता है क्योंकि अभी तक के जितने भी कंपाउंड्स मैंने बनाए थे, इन सब कंपाउंड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, 3 COH ग्रुप थे. बस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के पास देयर इज ओनली 2 COO ग्रुप, ठीक है. यहां तक जितने भी कंपाउंड थे इनके पास 3 COH ग्रुप थे, बट यहां पे इसके पास सिर्फ 2 CO ग्रुप है. तो इसीलिए आप बोल सकते हो जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, इट इज अ इंटरमीडिएट. क्या कहा जाएगा उसे? मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ इंटरमीडिएट. विल टॉक अबाउट इट, उसमें आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके. तो जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सो मैंने लिखा था एंजाइम इज गोइंग टू बी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस. एंजाइम अपन रेड में लिखते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, DHS डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है. सो दिस इज द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू वर्क एट द सिक्स स्टेप. ऑक्सीडोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का. 4 कार्बन अपने ऑब्टेन हो चुके. तो अभी जो सक्सिनिल कोए है, ये सक्सिनिल कोए का क्या होने वाला है? यहां से देयर इज वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी एडेड अगेन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो जब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा सक्सिनिल कोए में, ओके, और सक्सिनिल कोए की वजह से क्या होगा? यहां पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP. तो जब सक्सिनिल कोए में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. तो मैं यहां पे दिखाता हूं, ATP का फॉर्मेशन होगा किससे?
एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया, सक्सेनिल कुएं से आया, और उसने क्या बनाया, एटीपी बनाया, प्लस आपने यहाँ पे वाटर भी यूज किया है, कौन सा स्टेप है ये, दिस स्टेप इज गोइंग टू बी सिक्स सेवन्थ, दिस स्टेप इज गोइंग टू बी दिस सेवन्थ स्टेप, और जो एंजाइम यहाँ पे अपन यूज करेंगे दैट इज सक्सेनिल थायोकाइनेज, काइनेस याद है, काइनेस क्या करता था, फॉस्फेट ग्रुप को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे प्लेस करता, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप सक्सेनिल कुएं से बाहर निकला और कहाँ चला गया, एडीपी के पास, जिससे क्या बना, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो एंजाइम का नाम लिख लेते हैं दैट इज सक्सेनिल थायोकाइनेज, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, सक्सेनाइल थायोकाइनेज, ठीक है, क्लियर है, तो सक्सेनिल कुएं से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, क्योंकि एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, काइनेज, काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कौन करेगा, एडीपी एक्सेप्ट करेगा, और जब एडीपी एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है, तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ यहां पे, अभी तक देखो आपने एक एटीपी बनाया, दिस इज सबस्ट्रेट बी इज एटीपी, डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, आगे कहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, अभी तक तो फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट आपने एनएडीएच2 बनाया, NADH2 क्या करते हैं, ETS में जाके तीन ATP देते हैं, तो इससे तीन ATP मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, इससे तीन ATP मिलेगी, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, लेट्स मूव अहेड, ये सेवन स्टेप था, अब क्या किया जाएगा, अब ये सब चीजें होने के बाद ये जो सक्सेनिल कोए है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सक्सेनिक एसिड, यहां लिखते हैं It is going to get converted into succinic acid में convert हो जाएगा, किस में convert हो जाएगा, succinic acid में convert हो जाएगा, succinic acid is also going to be how many carbon compound, 4 carbon compound, ठीक है, क्योंकि CO2 कहीं release नहीं हुआ है, ठीक है, so यहाँ पे जो succinic acid बनेगा, ये succinic acid का क्या होगा, there is again oxidation taking place, क्या होगा, इसका oxidation होगा, और इसके ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज टर्म्ड एज FADH, क्या बनेगा, FADH, जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, FAD प्लस एक्सेप्ट करता है, और यहां पे बनता है FADH2, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ FADH2, ठीक है, सक्सेनिक एसिड से जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो FADH2 का फॉर्मेशन होगा, और जो कंपाउंड बनेगा सक्सेनिक एसिड से दैट इज फ्यूमारिक एसिड, दैट इज फ्यूमारिक एसिड, दैट इज फ्यूमारिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड इज अगेन अ फोर कार्बन कंपाउंड, क्योंकि कहीं पे भी अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला नहीं है, ठीक है, एंजाइम यूज करना पड़ेगा, तो एंजाइम विच इज गोइंग टू बी यूज्ड सक्सेनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, दैट इज गोइंग टू बी सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, इट इज गोइंग टू बी सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, स्टेप कौन सा हुआ, दिस इज स्टेप नंबर 8, दिस इज स्टेप नंबर 8, ठीक है, अब जो फ्यूमैरिक एसिड बना है उस फ्यूमैरिक एसिड में वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर से वाटर ऐड होगा, ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 9, तो जब यहां पे वाटर ऐड करेंगे फ्यूमैरिक एसिड में देयर इज एडिशन ऑफ वाटर, अब जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज नोन एज मैलिक एसिड, ठीक है, क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, यहां पर जगह कम है, there is formation of malic acid when water is added, और जो enzyme काम करेगा for the formation of malic acid from fumaric acid is fumarase, enzyme का नाम है fumarase, ठीक है,
सो दिस फॉर्म्स मैलिक एसिड. अब मैलिक एसिड को फिर से क्या किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा. क्या किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा, मतलब मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाला जाएगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा. सो हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज NAD प्लस. यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बाहर की तरफ थोड़ा. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH2. मैलिक एसिड को क्या किए करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, NAD प्लस. एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH2. एंड द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इज मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस या फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेस. यहां पर मैं नाम लिखता हूं मैलेट डिहाइड्रोजिनेस. क्या नाम है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस नाम है. मतलब मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकाला जाएगा. दिस फॉर्मेशन ऑफ NADH2. दिस NADH2 इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, ये ETS में जाके मेरे को 3 ATP देगा और एक वाटर मॉलिक्यूल देगा. और मैलिक एसिड से फिर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, दिस फॉर्मेशन ऑफ द 4 कार्बन कंपाउंड. अभी तक 4 कार्बन ही चल रहा था. दिस फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है, स्टेप नंबर कौन सा हुआ, तो दिस इज स्टेप नंबर फ्यूमैरिक एसिड से मैलिक एसिड और स्टेप नंबर 9 एंड मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज स्टेप नंबर 10. हो गए 10 स्टेप्स. ग्लाइकोलाइसिस में भी 10 स्टेप्स था, यहां पे भी 10 स्टेप्स है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोए मिलके क्या बनाते, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होता है किसका, सिस अकोनिटिक एसिड. सिस अकोनिटिक एसिड से फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रिक एसिड का. आइसोसिट्रिक एसिड से फॉर्मेशन होगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का. ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट का, दैट इज अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड. अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से फॉर्मेशन होगा किसका, सक्सेनिल कोए का. सक्सेनिल कोए से फॉर्मेशन होगा सक्सेनिक एसिड का. सक्सेनिक एसिड से फॉर्मेशन होगा फ्यूमारिक एसिड का. फ्यूमारिक एसिड से फॉर्मेशन होगा मैलिक एसिड का. और मैलिक एसिड से फिर से क्या बन जाएगा, जहां से पूरी साइकिल स्टार्ट हुई थी, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. OAA is oxaloacetic acid. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है अपन को याद रखने, दैट इज अगर पूछा जाता है कि यार डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ हो रहा है, सो डिहाइड्रोजिनेशन अगर आप देखो, सो दैट इज टेकिंग प्लेस, चार जगहों पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 8 एंड स्टेप नंबर 10. ठीक है, चार जगहों पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मतलब NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अगर पूछा जाता है कि यार हाइड्रेशन कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रेशन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है फर्स्ट स्टेप पे. ठीक है, थर्ड स्टेप पे भी हो रहा है, सेवंथ स्टेप पे भी हो रहा है एडिशन ऑफ वाटर, एंड नाइन्थ स्टेप पे भी देयर इज एडिशन ऑफ वाटर. हाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस एट 4 स्टेप्स. ठीक है, फिर If it is asked, dehydration कहाँ हो रहा है? Water is being removed. So step number एक ही जगह पे हो रहा है, that is step number 2. ठीक है? और अगर पूछा जाता है, where is decarboxylation taking place? मतलब CO2 को बाहर निकाला जा रहा है. तो यहाँ पे CO2 बाहर आ रहा है, that is step number 5. And CO2 यहाँ पे भी बाहर आ रहा है, that is step number 6. So decarboxylation is taking place 2 times. ठीक है? So this whole cycle is known as the Krebs cycle and is very very important. ठीक है, सिंपल है, इजी है. सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से हर एक एंजाइम को आपको याद करना है. ओके, नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी उसमें मैं आपको इसके बारे में पूछूंगा. और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस आपको 5 times बना के मुझे व्हाट्सएप करना है, उसी तरीके से जो क्रैब्स साइकिल है उसको भी आपको 5 times बना के मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो आप इसका एक अच्छा सा वीडियो को पॉज कर लो और जो भी कॉपी कर लो, डिटेल्स मैंने लिखी है यहां पे. ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं
और जो भी मैंने स्टेप्स बोले उसको मैं एक बार फिर से लिख दूंगा कि कहां पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, कहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है. दिस इज टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो पूरा क्रैब्स साइकिल आपने देखा ये कहां पे हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. सो डी हाइड्रोजिनेशन दैट इज टेकिंग प्लेस कहां कहां पे हो रहा है, तो जैसे मैंने बताया इट इज टेकिंग प्लेस फोर टाइम्स, इट इज टेकिंग प्लेस फोर टाइम्स कहां कहां पे. सो दैट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 4, 6, 8 and 10. ये 10 स्टेप्स में क्या हो रहा है, देयर इज डिहाइड्रोजिनेशन टेकिंग प्लेस, हाइड्रेशन दैट इज एडिशन ऑफ वॉटर, सो हाइड्रेशन कितनी बार हो रहा है, तो इट इज टेकिंग प्लेस 4 टाइम्स. स्टेप नंबर 1, 3, 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 7 में हो रहा है एंड 9 में हो रहा है. ठीक है, और क्या हो रहा था, देयर इज डिहाइड्रेशन, वाटर को निकाला जा रहा था बाहर. ठीक है, सो डिहाइड्रेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज टेकिंग प्लेस वन टाइम कहां पे, सो वन टाइम स्टेप नंबर 2 में, इन स्टेप नंबर 2. और एक और जो चीज हो रही थी दैट इज डीकार्बोक्साइलेशन, क्या हो रहा है, डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है डीकार्बोक्साइलेशन, सो दैट इज टेकिंग प्लेस 2 टाइम्स, स्टेप नंबर 5 and 6, स्टेप नंबर 5 and 6. ठीक है, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको याद रखने हैं, क्या डिहाइड्रोजिनेशन 40 स्टेप्स में हो रहा है, हाइड्रेशन 40 स्टेप्स में हो रहा है, डिहाइड्रेशन स्टेप नंबर 2 में हो रहा है एंड डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप नंबर 5 and 6 में हो रहा है. सिंपल एंड इजी, सो क्रैब साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल से व्हाट हैव आई गेन्ड, मुझे एटीपी कितने मिले, सब्सट्रेट बेस्ड एटीपी कितने मिले, ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपीस कितने मिलेंगे. ये जो पूरा मैंने लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज दिस इज फॉर वन क्रैब साइकिल, और आपको पता है कि यार दो पायरुक एसिड के मॉलिक्यूल थे, ओके, तो दो पायरुक एसिड के मॉलिक्यूल थे मतलब दो एसिटाइल कोए बनेंगे, मतलब एक एसिटाइल कोए के लिए मैंने सब लिखा था, तो दो एसिटाइल कोए मतलब जो क्रैब्स साइकिल है दो बार परफॉर्म की जाएगी, इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म 2 टाइम्स. ठीक है, नाउ वन सिट्रिक एसिड साइकिल से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, एटीपी मिला क्या, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो एटीपी अपन को मिला था, एक सबस्ट्रेट बेस्ड एटीपी मिला था, बेस्ड एटीपी, वन सबस्ट्रेट बेस्ड एटीपी आपको मिला. ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू या फिर ईटीएस के थ्रू, आगे वाला जो स्टेप आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने एटीपी मिलेंगे, तो कितने NADH2 बने हैं, तो अगर आप देखें तो अपन को 3 NADH2 मिलते हैं और 1 FADH2 मिलता है, 3 NADH2 एंड 1 FADH2, सो एक NADH2 3 एटीपी देता है,
और 1FADH2 दो ATP देता है, ठीक है। सो तीन NADH2 मिलेंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 9 ATPs एंड एक से दो तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 ATPs। सो टोटल काउंट कितना हो गया इसका, दिस इज गोइंग टू बी 24 ATPs, दिस इज गोइंग टू बी 24 ATPs, जो अपन ने आगे देखा था कि आपको 24 ATPs मिलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर, तो वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है यहां पे, ठीक है। तो जैसे कि 3 NADH2 है, तो 3 NADH2 से एक वाटर, एक से एक वाटर मिलता है, तो 3 NADH2 है, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल तो वहां से आ गए, एक वाटर मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आ जाएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्ट एक ही वाटर मॉलिक्यूल मिला है, 1H2O मॉलिक्यूल, बाकी जो मिलेंगे दैट इज थ्रू मेटाबॉलिक वाटर, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर, 3 इससे 1 इससे, तो टोटल कितने हो गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, डन। सो टोटल काउंट यहां पे कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5H2 आपको मिला यहां पे, 3 इससे 1 इससे 4 और एक डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल जो मिला, ये जो मिलेगी इसे कहा जाएगा मेटाबॉलिक वाटर कहा जाएगा इन चीजों को, ठीक है। CO2 कितना मिला, तो CO2 अगर देखें तो आपने देखा होगा 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, अगर उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो ये तो एक CO2 की बात हुई है, एक बार एक पायरुक एसिड, एक एसिटाइल कोए की बात हो रही है, तो 2 बार एसिटाइल कोए जब जाएंगे क्रैब साइकिल में, मतलब एक ग्लूकोज की पूरी बात करें अपन, तो मुझे मिलेंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, आई गेट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो CO2 का काउंट अगर देखें, सो देयर इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फॉर 1 ग्लूकोज, इसका काउंट देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी 24 ATP, ठीक है। और यहां पे मेरा टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5H2 है। अगर क्रैब साइकिल को पूरा परफॉर्म करके देखें, तो क्रैब साइकिल के अंदर अगर आपने देखा हो तो चार जगहों पे देयर वॉज वाटर मॉलिक्यूल बीइंग यूज्ड एट स्टेप नंबर 1, 3, 7, 9, तो 5 मैंने बनाए और उसमें से 4 मैंने यूज करे, तो नेट गेन कितना होगा, 5H2O इज टोटल माइनस 4H2, बिकॉज मैंने 4H2 मॉलिक्यूल्स यूज करे ना स्टेप नंबर 1, 3, 7, 9 पे, ठीक है। तो नेट गेन हो जाएगा 1 वाटर मॉलिक्यूल, कितना हो जाएगा 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे मिला आपको, डन। सो दिस आर सम ऑफ दी कैलकुलेशन जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबस्ट्रेट बेस्ड ATP तो कितना था, 1 ATP था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 9 और ये 2, तो कितना हो गया, दिस इज 11 प्लस 1, दिस इज 12, ठीक है। और कितना हो गया टोटल, क्योंकि दिस हैज टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, तो कितना काउंट बैठेगा आपका, सो 24 ATPs हो जाएगा। वाटर की बात करते हैं, तो एक डायरेक्ट वाटर मिल रहा था, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू मिलेंगे, 3 इसके थ्रू 1 इसके थ्रू, ठीक है, तो 4 वो हो गए, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 4 आपने वाटर मॉलिक्यूल यूज करे, तो आपके पास कितना बचा, नेट गेन इज 1 वाटर मॉलिक्यूल। CO2 क्रैब साइकिल में, एक बार क्रैब साइकिल परफॉर्म करोगे तो एक CO2 रिलीज होगा, तो 2 बार परफॉर्म करोगे तो एक बार परफॉर्म करोगे तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हो गए,
तो ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार क्रैब साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी? दो बार परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो सॉरी, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में दो बार क्रैब साइकिल परफॉर्म होती है। तो एक ग्लूकोज, एक CO2 से आपको मिले, एक क्रैब साइकिल में आपने दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे, किसके? CO2 के। तो एक ग्लूकोज के लिए आप प्रोड्यूस करोगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। सो दिस टॉपिक जो भी आज मैंने चलाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से सुनो, ओके, और अच्छे से समझो, बिकॉज आप इसको रट्टा नहीं मार सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर आप क्रैब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, उसके एंजाइम्स है, कहाँ पे वाटर यूज हो रहा है, कहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, कहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट न्यू डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ओके, थैंक यू।